गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके डिफरेंशिएशन और इनके इनकी कनेक्टिवनेस की, ये आपस में अलग कैसे हैं और आपस में मिले हुए कैसे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो मैं सिद्धांत की आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी, उसका मतलब है कि सबको अपना काम बांट दिया है ना, काम बटा हुआ है। कार्यपालिका का काम है रूल इंप्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम है रूल मेक करना, लेकिन देखो ये इतना आसान है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन उसको भारतीय संस्कृति सभ्यता और यहाँ के राजनीतिक वातावरण के हिसाब से थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है। सही है, जो बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होता है बच्चों, जैसे कि यूएसए के अंदर है, तो वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता, ये अलग होता है, ये अलग होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहां पे ये नहीं है, है ना। वहां पे क्या है, यूएसए में वो देश बहुत पहले आजाद हो चुका था, कई शताब्दी पहले हमसे, हम लोग 1947 में आजाद हुए हैं, और उसके पहले हम लोग काफी टाइम से दूसरे लोगों के अधीन रह रहे थे। तो लोगों को प्रोग्रेस तो लोगों की करनी ही, डेवलपमेंट तो लोगों का करना ही, लेकिन उसके साथ में उनको सिस्टम से जोड़ना भी, पार्टिसिपेशन उनका करना, पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट करना देश का, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो उस समय जब हमारा संविधान बना, तो जिन महानुभावों ने यह वह संविधान बना, उन्होंने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा और इस तरीके से संविधान को ढाला जिससे कि हमारे यहाँ पे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, मतलब जो गांव का आदमी है, उसे भी व्यवस्था के अंदर अपनापन लगे और वो भी बिल्कुल एक तरीके से बढ़ चढ़कर उसमें भागीदार बने। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम को ढाला है, सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन बिल्कुल सख्त नहीं है, ये लोग मिलकर काम करते हैं। ये ऐसा किस लिए है, क्योंकि देश का विकास हो, लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें सिस्टम के अंदर और देश आगे बढ़े, ठीक है। और साथ में जनता का जो सरकार के प्रति विश्वास है और सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेहता है, अकाउंटेबिलिटी है काम करने की, वो बराबर बनी रहे। सही है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव का काम है रूल इंप्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। सही है। कैसे, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, इनको कार्यपालक बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव है, मुख्य कार्यपालक तो प्रेसिडेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आर कंट्री, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, लेजिस्लेचर के क्या कंपोजिशन है, कौन कौन पार्ट होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये लेजिस्लेचर का कंपोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन काम कौन करता है प्रेसिडेंट के नाम पर, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, बिल्कुल ठीक है। अब ये होते कौन लोग हैं, ठीक है ना, ये हैं कौन, ये हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट है इसके ये मेंबर हैं, ठीक है। तो 2019 में चुनाव हुआ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 2019 में चुनाव हुआ, करंट एग्जांपल लेते हैं, और उसमें जिस दल के सबसे ज़्यादा सांसद आए उन्होंने अपनी सरकार बनाई, ठीक है, जनता ने उनको वोट किया, सरकार बनाई, ठीक है, ये बन गए मुख्य कार्यपालक। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ यही नहीं बैठते हैं, लेजिस्लेचर वो तब बनता है जब उसके अंदर भारत देश के जितने भी राज्य हैं और हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ से जितने भी टोटल सदस्य सांसद चुन के आए हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तभी तो पूरा एक देश एक होगा ना, और जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली के आसपास ना रह के वो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगा, और वो अंडमान निकोबार तक जाएगा, पुदुचेरी तक जाएगा, है ना, तो और इधर वो लद्दाख तक जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब किस वजह से है, ये सारा का सारा है अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेवलप करना और उसको उसकी सुनिश्चितता करना, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सारी पार्टियों के सदस्य बैठते हैं जो कि चुनकर आए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो समझ में आया। अब एक दूसरी बात समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत काबिल हो या कुछ इस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हो कि एक किसी जन को मंत्री बना दिया, लेकिन वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना वो राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या हो, तो उसके लिए हमारे संविधान के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वो मंत्री जो है उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी,
एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, है ना, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के सदस्य रहे हैं और मतलब ब्यूरोक्रेट थे, और एज अ फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ बहुत अच्छा काम किया था। और सुषमा स्वराज जी के इस दुनिया से जाने के बाद मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने उनको विदेश मंत्री बना दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा की सदस्यता भी दिलवाई, ठीक है ना। और ये चीज़ बच्चों, ये सिर्फ सेंटर में नहीं, ये स्टेट में भी लागू होता है। सबसे करंट एग्जांपल है, अभी चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो दीदी है ममता बनर्जी जी, वो अभी वहाँ की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य नहीं है, है ना, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको लेनी पड़ेगी। समझ में आई ना बात, ठीक है। तो ये ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए बच्चों, अकाउंटेबिलिटी के लिए, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे रूल मेकिंग और रूल इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या होता है, मतलब कानून तो सब लोग यहाँ मिलके बैठ के बनाएंगे और फिर ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन इस काम करने से पहले एक काम और होता है। काम ये होता है कि जो रूल बनेगा ना, वो आता कहाँ से है, वो आता है जो सरकार होती है, वो सरकार की दूरदृष्टता होती है, ठीक है ना, दूरदृष्टि, उन्होंने क्या सोचा है और उनका क्या मैनिफेस्टो है, उन्होंने जो वादा किया था जनता से, है ना। और साथ में हम लोगों को दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के भी चलना है, क्योंकि बहुत कंपटीशन का ज़माना है भाई, ठीक है ना। और स्पेशली आफ्टर कोविड तो सिचुएशंस देखिए कितनी ज़्यादा एक तरीके से भयावह हो गई हैं, है ना, डेंजरस एक तरीके से। तो कोविड के समय पर भी बहुत सारे निर्णय लिए गए, तो ये सब जो है कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव इस काम को करते हैं। आइडिया यहाँ से आता है, सोच इनकी होती है, जनता से भी फीडबैक एक तरह से लिया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें सरकार तक पहुँचती हैं, और उसके बाद वो बिल बनता है, ड्राफ्ट तैयार होता है, उसमें बहुत सारे वहाँ पे संशोधन होते हैं, वो लोग करते हैं उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद वो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है, लोकसभा में रखा गया पास हुआ, राज्यसभा में रखा गया पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किए और वो जो बिल था वो तब्दील हो गया किस चीज के अंदर, वो बन गया एक्ट, सही है। यहां से फिर वो लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करेगा। देखो ये होती है व्यवस्था, हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस तरीके से मिलजुल कर काम करता है, टाइट नहीं है कि ये करेगा और ये करेगा, मिलजुल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा काम होता है। ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बनेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में के ऊपर, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए ये जो शब्द हैं इनका मतलब क्या है, सही है। तो ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है पहले। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब यहाँ पे ये बन गया है, एक चीज़ और इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, बिल बन गया, पेश हुआ, वो एक्ट में तब्दील हो गया, कानून बन गया, कानून लागू कर दिया, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, अगर वो जो कानून बना है ना बच्चों, अगर वो कानून हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज भी कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन मतलब संरक्षक माना जाता है। ये क्वेश्चन IAS में भी पूछा गया है, आप याद रखिएगा, हु इज द गार्डियन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, हमारे संविधान के संरक्षक कहे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हैप्पी रीडिंग, नमस्कार।